शिवाज, ये जो उनकी कंडीशन थी उस टाइम में। आशीष है ऑनलाइन? तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि पेशेंट की जो ऐसा था, जो फोन आया मेरे को कि शी इज बेसिकली नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। जो ऑक्सीजन SpO2 था वो अराउंड 50% 40% के बीच चल रहा था उनका पिछले एक दो दिन से, एंड इट वाज डिटेरियोरेटिंग। जो मैंने स्क्रीन शेयर कर ली ना, स्क्रीन शेयर है ना मेरे? यस सर। तो जो SpO2 है वो ऐसे चल रहा था उनका, एंड शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीद विदाउट ऑक्सीजन, एंड उनको जो अंदर कंजेशन हुई हुई थी बहुत, एक्सरे में आ रहा था, एंड डॉक्टर्स आर गिविंग ऑल काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड देर वॉज नो रिलीफ इन हर। तो जो एंड डॉक्टर्स आर टेलिंग कि आज का दिन देखेंगे, अगर कुछ ना हो पाया दिन में तो हम शाम को वी विल पुट हर ऑन वेंटिलेटर। और जो उन्होंने अपने जो उनके अटेंडेंट्स थे उनको बताया कि एक बार वेंटिलेटर पे चले गए तो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं निकल पाएंगे इनके। तो ये इनकी कंडीशन थी उस टाइम। ऐसे केसेस में हमेशा चेस्ट को देखो भाई, चेस्ट में एफर्ट कितनी लग रही है, ठीक है? साउंड सुनो, साउंड कैसी है? मुझे ये भी नहीं पता कि पेशेंट है कहाँ पे थे, जो भी मेरी बात हुई फोन पे ही हुई थी हमारी बात। तो ये उनकी कंडीशन थी। अब हमने उनकी हिस्ट्री ली कि कैसे क्या हालत है उनकी। बोल रहे कि उनका कोई रिलेटिव था जो हिस्ट्री दे रहा था, बिकॉज मेरे ख्याल से उनके जो बच्चे वो उस टाइम वहां पे नहीं थे, एंड द हस्बैंड वाज नॉट इन अ कंडीशन टू टेल एनीथिंग। वो खुद बहुत घबराए हुए थे। तो जो उनका कोई रिलेटिव था वो दे रहा था इन्फॉर्मेशन, तो उसने बताया कि अभी कंडीशन बहुत बुरी है भाई, ऐसे बेहोश की तरफ को जा रहे हैं। उनको बीच में होश आता है, चले जाता है, हाँ होश आता है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ब्रेन को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, एंड और हाँ। तो फिर हम जैसे केस टेकिंग लेते हैं तो पूछा गया उनको भी कैसे कैसे। सो ऑल द थिंग वाज के स्टार्टिंग में जब हुआ ये सब शुरू हुआ सारा प्रोसेस 7-8 दिन पहले, शी वॉज कंप्लेनिंग फॉर 2 डेज के मेरे को भी थकावट बड़ी हो रही है। ये मेरे को ऐसे, मैं इतना चल लेती हूँ, वैसे सीढ़ियाँ चल लेती हूँ, इतना काम कर लेती हूँ, तो मेरे को लेकिन थकावट बड़ी हो रही है। तो उन्होंने फीवर वगैरह चेक किया, कोई फीवर नहीं था, कुछ नहीं था उनको, लेकिन शी वॉज फीलिंग वीक। शाह उनका मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे HP वगैरह चेक करवाया, वो भी ठीक था, अराउंड 10-11 था कोई। उसमें डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं, इनको थोड़ा नारियल पानी जूस दो, हो जाएंगे ठीक, थोड़ा रेस्ट करने को बोलो, ओवर एग्जर्ट ना कर लिया हो। सो 2 दिन उनकी वीकनेस चलती रही। 3rd डे से शी स्टार्टेड हैविंग फीवर, फीवर विद कफ, और कफ वो जो थी वो बढ़ती गई पहले 2 दिन। सो 2 दिन वीकनेस रही, 2 दिन कफ रही, तीसरे दिन कफ जो है वो कम होनी शुरू हो गई, एंड चेस्ट कंजेशन बढ़ गई उनकी। ऑल्दो शी वॉज टेकिंग सम एंटीबायोटिक्स, और सब दवाइयां उनकी चल रही थी, तो कंजेशन जो है वो जैसे जैसे बड़ी, कफ जैसे जैसे कम हुई, तो जो उनका ऑक्सीजन लेवल था वो ड्रॉप डाउन होना शुरू हो गया। होते 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 शी केम टू दिस कंडीशन। अब ये है हमारे पास नॉलेज ऑफ डिजीज, ठीक है ना? पेशेंट की जो केस टेकिंग हमने ली उसमें जो भी उसका थर्मल थर्स्ट इस टाइम जो भी है, ठीक है ना? नॉलेज ऑफ डिजीज हमारे पास, नॉलेज ऑफ डिजीज हमारे पास है। हमारे पास मटीरिया मेडिका में भी नॉलेज ऑफ मेडिसिन पड़ी है। अब उनमें से हमने वो दवाई देखनी है जो इस स्टेट को, इस पूरी जर्नी को, जो 7-8 दिन की जर्नी है उसको कवर करती हो। हमने पहले भी ये बात की है एंटिम टाट के बारे में, कि एंटिम टाट में अब जो ये जो कंडीशन बनी हुई है,
और भी मेडिसिन आ सकती हैं इसमें, मोनिएक्टम आ सकती है, काली सल्फ आ सकती है इसमें, इप्पीकाक आ सकती है अगर नौशिया साथ में हो, ठीक है ना। लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ते हो एंटीमटाट को, तो उसमें लिखा गया है कि द बिगिनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वीकनेस, कमजोरी आती है सबसे पहले, जनरली कमजोरी बाद में आती है एक्यूट डिजीज में। किसी को बुखार चल रहा है, खांसी चल रही है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, खाना नहीं खा रहा बंदा प्रॉपरली, फिर वो वीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन एंटीमटाट का एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है कि उसमें वीकनेस सबसे पहले शुरू होती है, इवन विदाउट एंड बिफोर फीवर, इवन विदाउट हेडेक, इवन विदाउट बिफोर सॉरी कफ, सब चीजों से पहले उसकी वीकनेस शुरू होती है, ठीक है। तो इनको एंटीमटाट 200 में देने के लिए कहा गया रिपीटेटिव डोजेस में, और ये उनकी नेक्स्ट डे की वीडियो है। कैसा लग रहा है? ऑक्सीजन से उनको उतार लिया था, बीच बीच में देते थे उसको भी डर की वजह से, डॉक्टर के एकदम से नहीं उतार सकते हम लोग। नेक्स्ट डे खाना खाने लग गए वो, बोलने लग गए, होश में रह रहे थे, SpO2 वाज बैटरी इट वाज अराउंड तो अच्छा 8, लग रहा है ना? अबाव 85। बीपी वाज इंप्रूविंग, जो ड्रॉप हो रहा था अराउंड 60-40 पे ड्रॉप हो रहा था, अभी ठीक है बीपी भी। ये उनकी फिर मेरे ख्याल से उसी दिन की शायद फोटो या नेक्स्ट डे की फोटो है कि शी वाज बेटर, मेरे ख्याल से अभी तो डिस्चार्ज वगैरह भी हो गया उनको। तो कहने की बात ये, अगेन आगे एक एफोरिज्म आएगा, पढ़ेंगे फुटनोट, आपने पहले भी उसके बारे में सुना हुआ है। बार बार एक बात मैं भी रिपीट करता हूं कि होम्योपैथी में तो पावर है ऐसे कंडीशंस को भी ठीक करने की, इंसान जा रहा है मर रहा है उसको भी वापस ले आती है होम्योपैथी, थ्रेटेंड डेथ के लिए दवाइयां हैं हमारे पास, ठीक है, जहां पे डेथ पता है अभी बंदा मर रहा है उसके लिए भी दवाइयां हैं, वहां से भी इंसान को खींच के ले आती है। द थिंग इज अबाउट नोइंग दीज फॉर्मूलाज, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, ये नॉलेज ऑफ डिजीज और नॉलेज ऑफ दिस मेडिसिन, इसके बीच में कौन सा फॉर्मूला डालें कि उसका जो रिजल्ट है वो क्योर के रूप में आ जाए, ठीक है ना।